प्यारे बच्चों नमस्कार, मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों हम आज डिस्कस कर रहे थे आपके 11th क्लास के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, जिसके अंदर बच्चों हमने आपके जो थर्ड चैप्टर है उसके एग्जांपल डिस्कस कर लिए हैं। तो बच्चों आज का जो हमारे कंप्लीट लेक्चर है वो आपके एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों आपका एक्सरसाइज 3.1 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो इसके बच्चों जो चार पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट तो है इसका 25 डिग्री, सेकंड है -47 डिग्री 30 मिनट, नेक्स्ट है 240 डिग्री और फिर नेक्स्ट है 520 डिग्री। तो बच्चों ये जो चार एंगल आपको दिए गए हैं उन चारों को आपको रेडियन में चेंज कर रहे हैं। तो बच्चों सोल्व करते हैं इसका। फर्स्ट देखिए, थीटा डिग्री इक्वल टू 25 डिग्री। यदि आपको याद हो तो डिग्री को बच्चों रेडियन में कन्वर्ट करने का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, तो मैंने ये बताया था थीटा रेडियन इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू थीटा डिग्री। इतनी कवर हो गई होगी बात कि थीटा रेडियन को थीटा डिग्री में बच्चों कन्वर्ट करने का हमने फॉर्मूला पढ़ा है पाई बाई 180 इंटू थीटा डिग्री। तो इसको क्या लिखा जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 25 डिग्री। तो ये क्या जाएगा, कैंसिल हो सकते हैं क्या बच्चों, ये 5 से कैंसिल होंगे, तो 5 से मैं कैंसिल करूं तो आ जाएगा 5 पाई अपॉन 36, देन दिस इज, ये वैल्यू किस में आ जाएगी, रेडियन में। तो बताइए बच्चों फर्स्ट पार्ट समझ आया या नहीं आया, तो डाउट है क्या किसी को, रिपीट कर रहा हूं बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि आपको डिग्री में जो वैल्यू दी गई है उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है, अर्थात डिग्री माप को रेडियन माप में बदलना है। तो सबसे पहले तो बच्चों हमारी माइंड में क्या आना चाहिए, वो फॉर्मूला आना चाहिए जिसकी सहायता से हम बदलते हैं। तो उसको हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाई 180 से। तो थीटा डिग्री की वैल्यू है 25, 5 से दोनों को कैंसिल किया तो थीटा रेडियन में आ गया 5 पाई अपॉन 36। सेकंड है बच्चों -47 डिग्री 30 मिनट। तो पहले ये बताओ क्या ये कंप्लीट डिग्री में है, क्या ये कंप्लीट वैल्यू डिग्री में है क्या, तो आपका जवाब क्या होगा, सर ये तो डिग्री में तो नहीं है क्योंकि कुछ हमें डिग्री में कुछ मिनट में। तो सबसे पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, थीटा डिग्री इक्वल आ जाएगा -47 डिग्री। बच्चों बताओ मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा। तो यदि आपको याद हो तो मैंने कहा था डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 60 का मल्टीप्लाई करो, रिवर्स करना हो तो डिवाइड कर दो। तो ये आ जाएगा -47.5 डिग्री, इसको लिखा जा सकता है -95/2 डिग्री। तो बताइए बच्चों पहले इतनी प्रोसेस समझ आई या नहीं आई, कोई डाउट है क्या आपको। अब रेडियन को कन्वर्ट करने में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस पाई बाई 180 इंटू 95 डिवाइड बाई 2, 5 से कैंसिल होगा, ये 90 पे जाएगा, ये 36 पे, तो हो जाएगा -19/72। ये आ गई बच्चों रेडियन में वैल्यू। तो बच्चों देखिए बात समझ आई या नहीं आई। तो बच्चों एक बात जो मैं आपको बोलूंगा, ये जो 11th क्लास के मैथ है वो हो सकता है आपके लिए नई हो, तो नई है तो इसका मतलब वो इंटरेस्टिंग होगी, ये नहीं कि टफ है।
हो सकता है आपको कोई बात डाउट आती है, तो उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है। हमारा काम यही रहेगा कि हम एक एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से कवर करें, उनसे रिलेटेड बेसिक जानकारी को ध्यान से कवर करें, ठीक है। तो बच्चों दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट बताए हैं, कोई डाउट है तो बताओ। अब बारी आती है थर्ड की, उसमें थीटा डिग्री की वैल्यू है 240 डिग्री, तो वही प्रोसेस बच्चों यूज करेंगे, पाई बाय 180 इंटू 240 डिग्री। इसको मैं एक बार पहले 60 से कैंसिल करता हूं, तो ये हो जाएगा 4 पे और ये जाएगा 3 पे, और कैंसिल हो सकता है क्या बच्चों? नहीं हो सकता, तो ये आ जाएगा थीटा सी इक्वल टू 4 पाई बाय 3 रेडियन। अब बताइए बच्चों बात समझ आई या नहीं आई? अब बच्चों ये बताओ मुझे कि क्या आपको डिग्री माप को रेडियन में कन्वर्ट करना समझ आया या नहीं आया? आराम से आया होगा, सिंपल सी प्रोसेस है। जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, आप उसको पाई बाय 180 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। पाई बाय 180 से आप उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो रेडियन। बच्चों बस गलती से यहाँ पे डिग्री मत लगा देना, क्योंकि आप रेडियन के कंसेप्ट पे आ चुके हो। इस क्वेश्चन में हो सकता था थोड़ी डाउट वाली बात, तो क्लियर करते हैं। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना, देखो जो एक वन डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, वन मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। मल्टीप्लाई अगर डिग्री को मिनट में करो तो मल्टीप्लाई, मिनट को सेकंड में मल्टीप्लाई, रिवर्स करो तो डिवाइड। 60 से डिवाइड किया तो हाफ, टोटल कैलकुलेशन 95/2 डिग्री, मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लिया। क्लियर है बच्चों? इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ सकता हूँ अब? हाँ, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे 520, तो बच्चों ये आपके लिए रहेगा, ठीक है। ये होमवर्क आपके लिए रहेगा, सिंपल सी प्रोसेस है, कैंसिल कर लेना, हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रिवर्स प्रोसेस है बच्चों इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब अभी हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, तो अब बारी फिर किसकी आएगी, रेडियन को डिग्री में। तो क्वेश्चन है 2, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए, यानी कन्वर्ट दी रेडियन वैल्यू इनटू डिग्री, एंड वेयर पाई इक्वल टू 22/7। ये बच्चों इंपॉर्टेंट चीज है, पाई का मतलब वैसे 180 डिग्री होता है, जब हम मेजरमेंट कैलकुलेशन लेंथ का करेंगे तो वहां पे 22/7 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका, इसके भी बच्चों हमारे पास फोर पार्ट हैं, 11/16, सेकंड क्या है -4, नेक्स्ट इजी है थर्ड 5π/3, जहां पे पाई आ जाता है बच्चों वो तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, एंड 7π/6। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे भी इन दोनों में से मैं कोई एक करूंगा, हाँ ये दोनों मैं आपको कंप्लीट सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं डालूंगा, बस आप रेगुलरली इन टॉपिक को ध्यान से कवर करें, आराम से एक एक बात को समझें। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास थीटा रेडियन की जो वैल्यू है वो है 11/16। अब बच्चों यदि आपको याद हो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 180/π, सब जानते हो। आगे बढ़ते हैं, 11/16 180 की वैल्यू 22/7 चला जाएगा ऊपर। पहले बच्चों जो जो कैंसिल हो सकता है वो करो, 4 से इसको कैंसिल करो, इसको यदि मैं 4 से कैंसिल करता हूँ ये आ जाएगा 45, ये 2, और कुछ कैंसिल नहीं होगा मेरे हिसाब से, 4 × 2 और कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो अब आगे 5 + 35 = 3 ये हो जाएगा 315/8। तो बच्चों क्या ये एग्जैक्ट मेजरमेंट है, 315/8 क्या मेजरमेंट है? तो नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो देखिए सबसे पहले जाएगा 3 पे, 8 × 3 जो होता है 24, 7 = 5, तो 75 को डिवाइड करोगे तो किस पे जाएगा, 9 पे, ठीक है।
ये किस पे जाएगा, 9 पे, 72। क्लियर हुआ बच्चों इतना? ठीक है, उसके बाद जो रिमाइंडर होगा वो बचेगा मेरे पास 3, तो यानी मेरे पास ये आ जाएगा 3/8। तो बच्चों देखो 39 डिग्री है वो तो मेरे पास कंप्लीट मेजरमेंट है, लेकिन क्या ये कंप्लीट मेजरमेंट है? क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास पॉइंटों में रहेगी। तो मैंने आपको बताया था कंप्लीट मेजरमेंट करने के लिए हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे इनटू 60 करके क्या लगा दूंगा, मिनट। इतनी बात समझ आ गई होगी? कोई डाउट है? क्लियर हो गया होगा बच्चों? भाई डिवाइड करो, कंप्लीट वैल्यू रखो, ठीक है, डिग्री को पॉइंटों में मत रखो। यदि पॉइंटों में आ रहा है तो उसको आप मिनट में करो, ठीक है, और मिनट में भी पॉइंटों में है तो सेकंड में, सेकंड में आ रहा है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे खत्म करो, कि सेकंड से छोटी वैल्यू अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, ठीक है। 3/8 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से कैंसिल करूंगा, 2 और ये 4 से कैंसिल हुआ, 15, तो ये आ गया 45 डिवाइड बाय 2 मिनट। इसको बच्चों जब मैं डिवाइड करूंगा तो 2 इसको 22 पे डिवाइड करेगा, लेकिन हाफ और आएगा, है ना, हाफ और आएगा, तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन। हाफ यदि और आता है फिर कंफ्यूजन, तो इसको 60 से वापस मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड में आ गए 30। तो बच्चों जो एक कंप्लीट वैल्यू वो हो जाएगी 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड। अब बताइए बच्चों बात समझ आई या नहीं आई? हो सकता है आपको कोई डाउट हो तो इसको मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। सबसे पहले क्वेश्चन था कि थीटा रेडियन में जो वैल्यू है वो है 11/16, हमें क्या करना था, इस वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई की वैल्यू 20/7, इनको आपस में कैंसिल किया तो हमारे पास कुछ ऐसा आया, ऊपर वालों का मल्टीप्लाई नीचे वालों का मल्टीप्लाई ये आएगा, डिवाइड करने पर यह आया 39। फिर बच्चों 3/8 आया, मैं पॉइंटों में तो लेना ही नहीं है, तो इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में चेंज किया, सोल्व करने पर आया 45/2 मिनट। डिवाइड करो, 22 तो कंप्लीट आया, हाफ मिनट प्रॉब्लम वाला था तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 60 से अगेन मल्टीप्लाई, 30 पे गया तो ये कुछ रिजल्ट आ गया, ठीक है। वैसे भी चिंता करने की बात नहीं, अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे इसका। सेकंड जो है वो है थीटा सी इक्वल टू -4 रेडियन, तो थीटा डिग्री क्या होगा, -4 × 180/π, 22 × 7, 2 से कैंसिल कर दिया, ये 11 आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 14 × 18, 252, ठीक है बच्चों, माइनस का 2520 डिवाइड बाय 11, कुछ ऐसा। इतनी बात क्लियर हो गई? यहां तक कोई डाउट है तो बच्चों आप मुझे बताइए। यहां तक आप में से किसी के समक्ष कोई भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, और यदि बच्चों कोई तरीके का डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा काम क्या रहेगा, इसको डिवाइड करना, तो मैं इसको डिवाइड करता हूं, माइनस 11 × 22, 2 + 3 = 32, फिर 2, फिर 110, तो शायद ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, नहीं सॉरी कंप्लीट तो नहीं होना चाहिए बच्चों, सॉरी नहीं आएगा, देखो मैं इसको वैसे करके देख लूं, 2520 11 22 3 2, 2 पे वापस 22 0 9 1/11, तो आएगा -229 डिग्री एंड 1/11, कुछ ऐसा। अब बच्चों प्रॉब्लम तो 1/11 वाली आ गई, डिग्री में है तो मिनट में कन्वर्ट कर दो, 60 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और ये मिनट आ गया, -229 डिग्री हो गया 60/11, डिवाइड करूँगा तो 5 पे जाएगा, फिर 5/11 वापस आ जाएगा, इंटू 60 कर दिया तो सॉरी सेकंड में कन्वर्ट, बस समझ आ गई होगी, 11/5 जा यानी 11 × 5 = 55, ठीक है, 5 बचेगा तो 5 × 60, क्लियर है। ये हो जाएगा बच्चों 5 मिनट, ये हो जाएगा 300/11। इसको जब मैं बच्चों मल्टीप्लाई करूँगा सॉरी डिवाइड करूँगा तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेरे पास देखो क्या आएगी, 2 पे गया 8 0 7 जा गया, यानी अप्रोक्सीमेट बच्चों मैं कह रहा हूँ,
27 सेकेंड अप्रोक्स। कंप्लीट तो मैं नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू जरूर बता सकता हूँ। ठीक है, आगे 3 और बचेगा, हाँ, क्योंकि वो 3 जो रिमाइंडर है, 3 या 11 से ज़्यादा पास नहीं है, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया। तो अब बच्चों देखिए, जो 2 क्वेश्चन बोर्ड पे किए हुए हैं जिसमें हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया, तो बच्चों बताइए यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको? तो बच्चों आज का जो अभी तक हमने 2 तरीके के क्वेश्चन डिस्कस किए, पहला डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था जिसमें हमने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था जिसमें हमने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों इन दोनों में से एक ऊपर वाला बता रहा हूँ कि जब आप 5π/3 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 60, तो इंटू 300 डिग्री, सिंपल सा केस बनेगा। आगे बात समझ में? क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे तो कैलकुलेशन थी, 22/7 रखना है यहाँ पे, तो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, फिर सिंपल वैल्यू आएगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि नीचे वाली वैल्यू 180 से कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है? अब बच्चों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अब वो समझते हैं। बच्चों समझ आ गए होंगे क्वेश्चन, भाई 2 तरीके किए अभी तक, रेडियन डिग्री में, डिग्री रेडियन में। अब इनसे रिलेटेड अदर क्वेश्चन है, उनको देखिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखो, पहले 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, यानी कोई व्हील है आपके पास जो 1 मिनट में 360 राउंड कंप्लीट करता है। तो इस बुक के अंदर आपको 360 डिग्री लिख रखा है, वो 360 डिग्री नहीं है, वो राउंड कितने कंप्लीट कर रहा है 1 मिनट में, एक सर्कल, यानी जो 1 सर्कल यानी व्हील जिसे आप बोलते हो, यानी 360 राउंड इन 1 मिनट। ठीक है, इतनी बात कवर हुई। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, यानी ये बताने कि ये इतने राउंड अगर कंप्लीट कर रहा है तो 1 सेकंड कितने रेडियन का एंगल जनरेट करेगा, तो वो देखो। सबसे पहले देखो बच्चों, एक सर्कल कंप्लीट होता है, एक कंप्लीट सर्कल का मीनिंग होता है 2π। अगर ये 360 राउंड हो गए तो टोटल जो एंगल होगा इन 1 मिनट वो हो जाएगा 360 × 2π, 720/π। इतनी बस समझ आई? हाँ, कई डाउट होगा सर 2π कैसे? तो बच्चों एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है यदि आपको याद हो तो, यानी एक सर्कल का मतलब है 2π, 360 राउंड का मतलब हो जाएगा 360 × 2π, टोटल 720π इन 1 मिनट। तो थीटा सी इन 1 सेकंड देन डिवाइड बाय 60, 0 से 0 आ जाएगा 12π। बताइए बच्चों क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? वैसे तो बच्चों देखो क्वेश्चन देखने में घुमावदार लगे, लेकिन वास्तविकता में बहुत ईजी है। क्वेश्चन को दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो एक बार। क्वेश्चन बच्चों ये है कि हमारे पास कोई भी एक जैसे सर्कल है, कोई पही है, वो राउंड लगा रहे हैं, उसकी खासियत क्या है, वो 1 मिनट में 360 राउंड कंप्लीट करता है, यानी 360 बार घूम जाता है 1 मिनट में। तो पहले 1 मिनट में टोटल एंगल कितना होगा वो पता किया। एक सर्कल कंप्लीट जब घूमता है 1 राउंड, वो 2π एंगल जनरेट करेगा, हम जानते हैं, लेकिन जब 360 राउंड है तो टोटल एंगल हो जाएगा 360 × 2π, 720π हो जाएगा। अब थीटा सी हमें 1 सेकंड में बताना है, तो 1 मिनट में आप सब जानते हो 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से डिवाइड कर दिया तो एंगल आ गया। कोई डाउट है बच्चों? तो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद इस लेक्चर को हम फिनिश कर देंगे। ठीक है,
क्वेश्चन है एक सर्कल, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। अच्छा, हमारे पास कोई सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 100 सेंटीमीटर एंड 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का माप का कोण बनाएगी और जिसकी लेंथ ऑफ आर्क है वो कितनी है 22 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन है कि एक आर्क है जिसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर है, उस सर्कल की रेडियस है 100 सेंटीमीटर। हमें ये बताना है कि ये जो आर्क है वो इसके सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल जनरेट करता है, डिग्री। लेकिन यहाँ से तो किस में आता है, रेडियन में। एल इक्वल टू होता है आर थीटा, तो थीटा सी की वैल्यू होती है एल अपॉन आर, अर्थात 22/100। यह है रेडियन में। लेकिन हमसे जो बच्चों इसका क्वेश्चन पूछा गया वो किस में पूछा गया है, डिग्री में। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा डिग्री आ जाएगा 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 22 से 22 गया, 10 से 10, तो आ गया 126/10। अब बच्चों आपका काम रहेगा इसको कंप्लीटली डिवाइड करके, वैसे इसको कर देता हूँ, यह आएगा 12 डिग्री 6/10, डिग्री आया मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल, तो 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक है बच्चों। तो बताइए बच्चों, आज हमने जो चार क्वेश्चन किए हैं, पहला किया डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, दूसरा रेडियन को डिग्री में, उसके बाद ये दो अलग तरीके के क्वेश्चन, समझ आए या नहीं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपके ये लेक्चर के हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे समझ आए होंगे। बच्चों बाकी जो 3.1 के आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और आगे की जो जानकारी है, जो फॉर्मूले, वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए देंगे। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, धन्यवाद।